तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनायस ऑनलाइन हब में। और मैं विक्रम प्रत्येक अपडेट के साथ बना रहता हूँ, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट आप लोग के बीच शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाले हूँ, तो वीडियो को ध्यान से सुनिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों तक पहुँचाने का कोशिश करें इस वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, आप जो सुन रहे हैं बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं। आई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फॉरवर्ड करें और सभी शिक्षकों को जागरूक करें। उससे पहले हम आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहते हैं कि ये वीडियो जो है आपको दिखाना चाहते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और ये वीडियो आप पहले देख लें, तभी जो हम अगला अपडेट आप लोग को देने वाले हैं। जी सर, जी सर, सर डेट तो बता दीजिए कब से भरा जा रहा है। कोई रिसीविंग वगैरह दे दीजिएगा सर। मैं वही पूछ रही थी, काहे कि वहाँ सर बोले थे ना कि जो जमा कीजिएगा सर, वहाँ को जो कोऑर्डिनेटर हैं सर बोले थे कि एक रिसीविंग ले लीजिएगा। हमारे द्वारा यह डाटर द्वारा निर्देश आता ना, इसको जमा लीजिए तो हम रिसीविंग करते हैं, इन्फॉर्मेशन उनके पास भेजेंगे, तो आपका सहूलियत कर रहे हैं कि फटाफट काम करेंगे। जी हाँ जी सर, सर थोड़ा तो हम लोग थोड़ा सा सर पारा टीचर हैं सर, और उसमें ना सर है कि जिसका अथी नहीं है तुरंत काम है ना सर, यहाँ पे उसको बताने की जरूरत नहीं, हम कर देंगे। जी हाँ सर, मेरा आवाज सुन रहे हैं सर, चढ़ाना नहीं चढ़ाना उसका काम है। जी हाँ, मेरा यहाँ से भेजने का काम मेरा है, भेजेंगे। ठीक है जी, ठीक सर। प्लस टू का इंटर का एग्जाम का फॉर्म कब से भरा जा रहा है, डेट कब से है बोल रहे हैं? अभी तो खुला हुआ है, अभी डेट में फॉर्म भरा जा रहा है, एग्जाम फॉर्म भरा जा रहा है, एग्जाम फॉर्म भरा जा रहा है। लास्ट डेट कब है? 31 जुलाई है। अच्छा, और सर ये डिलीवरी का नेम सर्टिफिकेट सब कैसे आएगा, कब आएगा? आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा ईमेल के द्वारा। सर जो एनसी लग गया है और अपडेट कर रहा फिर भी एनसी बता रहा, उसका क्या हुआ सर? फॉर्म आपका अपलोड कर दिए हैं सर, अपडेट हो गया है, अपडेट हो गया है। हाँ, सक्सेसफुली बता ट्रेस लेगा तो अपने आप मतलब सक्सेसफुली मैं बता रहा, लेकिन फिर भी एनसी बता रहा हूँ। ये बात तो बोले सर्वर रिट्रेस लेगा तो अपडेट करके आपको रिजल्ट देगा। सर जो एबी लगा है उसका क्या होगा प्रॉब्लम? एबी किसने लगा है? जैसे बहुत असाइनमेंट में एबी लग गया है। इसका पेपर 511 511 सर, SBA में। SBA में नहीं होगा। क्यों सर? सर कोऑर्डिनेटर बोल रहा था कि मतलब जिस समय कोऑर्डिनेटर का बात मत कर मेरा भाई, कोऑर्डिनेटर का नाम सुन पागल है। नहीं सर, है वो नहीं सर, बोल रहे थे कि वो बीआरसी है कोऑर्डिनेटर। नहीं सर, बीआरसी तो नहीं है। हाँ। मतलब वो बोल रहे थे कि जब हम अपलोड कर रहे थे ना तो बोल रहा था मतलब काम नहीं कर रहा था, इसलिए काम 31-10 अप्रैल 2019 तक काम किया है। ठीक है सर, वो फर्स्ट ईयर का बोल रहे हैं, फर्स्ट ईयर तो फर्स्ट ईयर में नहीं किया होगा आपका, आप पीछे से आए होंगे। नहीं सबका हो गया तो आपका क्यों नहीं? नहीं सर, बहुत सबका हो गया, हमारे 100 में जानते हैं 80% का जो है अभी लग गया है। अब बोलिए आप सब क्या सब तो नहीं किया होंगे टाइम से, हम यही बोलेंगे। हाँ सबका जब हो सकता तो आपका क्यों नहीं होगा? मेरा ही अकेले प्रॉब्लम, हम इसीलिए इधर आए थे, इसीलिए सर इधर आ गए। 2511-12 में काम नहीं होगा, जिसका छूट गया समझिए छूट गया। तो और उसका सर नहीं होगा क्या? नहीं अभी नहीं होगा, लेकिन एक आवेदन आप दे सकते हैं, बाई पोस्ट कर दीजिए हमारे पास, बाई पोस्ट या हैंड टू हैंड दे सकते हैं। हैंड टू हैंड जमा नहीं लेंगे, बाई पोस्ट देंगे। अच्छा ठीक है सर, कब तक ये ले रहे हैं सर? जितना जल्दी भेज दो। अच्छा, कुछ डीडी उडी ले रहे हैं क्या साथ में? नहीं डीडी नहीं ले रहे हैं, जिससे पटना में हो रहा है। अरे छोड़ो ना यार, जानकारी तुमको है तो तुम पटना को नहीं, नहीं सर मतलब बोल रहे हैं कि वहाँ पर अगर लेना रहता तो हम पहले नहीं बोलते कि डीडी दो का के। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। फायदा आपके है, डीडी में होने से फायदा आपके है ना, फ्री में काम हो रहा है। अच्छा ठीक है सर, बस चलिए, कोई चलिएगा।
नोएडा गए, तीन पेपर का तो उसमें मेरा एक पॉलिटिकल साइंस था, हिस्ट्री था, इकोनॉमिक्स था। पॉलिटिकल साइंस में 54 नंबर आया, बाकी सब में 45 से बिलो आया, जो हमारा 45% टोटल में नहीं आ रहा। तो मैं चाह रहा हूँ कि फिर से एक बार दे दूँ, लेकिन नहीं नहीं मिल रहा है, नहीं हो पा रहा है 45। तो रजिस्ट्रेशन नहीं, हम एससी में है, 45% हमको चाहिए था, तो नहीं आ पा रहा है सर। तो मैं चाह रहा हूँ कि फिर से फॉर्म भर दूँ। तो रजिस्ट्रेशन हमको तो नहीं कराना था, खाली नहीं कराना होगा, यहाँ पर 45% मेरा नहीं हो पाया। 45 से मतलब नहीं, आप मतलब पास है ना उसमें, फिर तो नहीं ना है नहीं। तो अभी लेकिन इम्प्रूव, उस समय भी मेरा पास था सर, इंटरमीडिएट में पास था। मेरी बात समझिए, जो रजिस्ट्रेशन में आपने लिया था उसमें पास किया है, लेकिन परसेंटेज ज्यादा नहीं है, ये ना है, लेकिन वो पास है ना। फेल रहते हैं उसमें आप, तो आप उसी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से फिर से के लिए ही हम भरे थे, तो नहीं आ पाया। हम समझ गए सर आपकी बात, हम समझ गए बात आपकी। मेरी आपकी बात समझ में गया सर, लेकिन हम ये मैंने दिमाग में मेरा था कि 45% से बिलो है, हम 45% के लिए देते, इसलिए हम अनसक्सेस में आ गए, ये चाह रहे थे हमसे, ये सोच मेरे दिमाग में था। लेकिन आपके अनुसार आप फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, नहीं दो एक नया देंगे, दो वही रखेंगे उसको, पहले है वाला आ गया सबसे पहले। तो उसका हम चाह रहे थे नहीं आया, नहीं दे परीक्षा, तो एड होगा इस बार जो हम देंगे, एड करके देंगे ना टोटल नंबर। अब जितना सब्जेक्ट का दीजिएगा ना सर जी, सर जी, सर जी मैं कह रहा हूँ ना सर, तीन सब्जेक्ट दिया था एक में, इंटर में 2-3 महीना हो गया एडमिशन हुआ, लेकिन आज तक बुक नहीं मिला। इतना हम लोग मेन कर दिए, उसके बाद भी 20 जून तक फॉर्म भरना। नोएडा में डायरेक्ट भेज देता है, बोले मार्कशीट लाने ला दी, ला दी अटैच कर दिए सर, आप जो बोले ला दिए। ऊपर होता है स्टेपलर नहीं है सर मेरे पास, अब आपके पास से तो लगा दिया, हटाना होगा, ये भी चिन्ह हटाना होगा सर। कब तक इसका क्लियर हो जाएगा? हम यहाँ से हेडक्वार्टर दिल्ली भेज देंगे एक सप्ताह के अंदर में, ठीक है ना? और हेडक्वार्टर दिल्ली का वो कम करेगा नहीं करेगा उस पर। तो इसका रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट जब आप देखिएगा ना, आपको अपडेट मिलेगा, सुधार हो गया नहीं हुआ तो कम, तो फिर परेशानी हो सकता है। स्टेपलर वहाँ दिख रहा है ऊपर में, ऊपर में सर। ऑन डिमांड के लिए जो झारखंड में सीट फुल हो गया, दूसरा स्टेट से भर सकता है क्या? एग्जाम देने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना उसमें सर। सर एग्जाम देने के लिए सिर्फ वहाँ जाना पड़ेगा सर? झारखंड में फुल हो गया देखे हम, हो सकता है ना सर? ठीक है सर, कोई ऐसा रोक टोक थोड़ी है, कोई भी सर्टिफिकेट कहीं से भी किसी का बोर्ड से इम्प्रूवमेंट एग्जाम चाहिए, बस जरूरी नहीं है। ठीक है सर, एक आपको हेल्प दे दिया बोर्ड,
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने वीडियो देख लिया, वीडियो क्लिप, और आपने सुन भी लिया कि काउंटर में क्या कहा गया है। शिक्षकों के रिजल्ट्स के बारे में, एनसी के बारे में आप सुन लिए कि किस तरह का जो है सुधार का काम चल रहा है। और अब जो हम दिखाने वाले हैं एक नोटिस जो ऑफिशियली निकल के आई, साथ ही साथ आपको जो नेक्स्ट अपडेट जो बताने वाले हैं, जो आप जो थंबनेल में देख रहे हैं वो भी हम अपडेट अभी देने वाले हैं आपको। तो इस पहले इस नोटिस को पूरी दे लेते हैं, क्योंकि अभी जो है इसका काम चल रहा है, रिजल्ट सुधार हो रहा है इस रीजनल सेंटर पर। इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको जो है छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट दे हमारे टीम की ओर से। तो चलिए आप आज आप जो है इस पहले लेटर को देख लें, उसके बाद हम जो नेक्स्ट अपडेट आपको देने वाले हैं वो ज़बरदस्त अपडेट देने वाले हैं। जो शिक्षक का NCSY जो शिक्षक का लग गया है ये अपडेट नेक्स्ट देने वाले हैं। तो चलिए ये लेटर को पहले आप देख लें। दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ये जो निकाली गई थी लेटर, ये राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIS के रीजनल सेंटर रांची से निकाली गई थी। और यहाँ पर कहा गया है, ये जो खबर आई थी वो 19 तारीख को जारी हुआ है। और इसकी जो है वीडियो हम पहले अपडेट यहां पर दे चुके हैं। सबसे पहले जो भी अपडेट आती है ऑफिशियली वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती है। तो यहां पर इस नोटिस को आप पढ़े होंगे, इसमें कहा गया था कि सेवा में अध्ययन केंद्र समन्वयक DELED TMLA यानी जितने भी आपका टीचिंग एक्टिविटी है 511, 12, 13, 14 जितने भी TLMA और WMA एक्टिविटीज है उसको सुधारने के लिए यहाँ पर जो है रीजनल सेंटर से जो है NIS का रीजनल सेंटर यानी झारखंड वालों के लिए रांची से ये जारी किया गया था। और उसका जो है नेक्स्ट जो आपको दिखाने वाले हैं नोटिस, जो कि सारे स्टडी कोऑर्डिनेटर को फॉरवर्ड करने के लिए कहा गया है, वो भी जो है जो झारखंड के शिक्षा विभाग की ओर से लेटर जारी हुआ है। और ये जो लेटर जारी हुआ है इसका भी वीडियो हम दिखाने वाले हैं, लेकिन ये लेटर को दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आप वीडियो को पहले पूरा देखें, उसके बाद हम आपको जो लेटेस्ट अपडेट है आपको देने वाले हैं अंत में। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये 19 तारीख को जारी हुआ था, इसमें कहा गया था कि TMLA परिणाम के अंकों के सुधार के लिए जो है आप जो है इस तरह का लेटर जारी हुआ था। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में जो है बहुत सारे शिक्षक जो है सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए मात्रा में तो बिहार के DELED जो है एडमिशन लिया था, लेकिन फेल भी हुए हैं बिहार के अधिकतर। तो सबसे पहले जो है NIS के रीजनल सेंटर पटना से एक लेटर जारी किया था, जो कि उसका लास्ट डेट था 15 तारीख था उसका लास्ट डेट, लेकिन जो है उसका कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है। अगर आप NIS के वहाँ पर रीजनल सेंटर जाते हैं ललित भवन पटना में, तो आपको जो है एक बाहर में आपको एक चिपका हुआ मिलता है जिस पर कहा जाता है कि उसका भी हम आपको दिखाने वाले हैं। कहा जाता है कि आपका जो अगला कार्य की यानी अगला डेट की प्रतीक्षा करें, ऐसा अभी कोई अपडेट नहीं आया है। तो हर एक रीजनल सेंटर जो है इस तरह का लेटर जारी कर रहा है, और NIS में जो है अभी भी सुधार हो रहा है दोस्तों। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखें, कुछ भी अगर कोई भी कहता है कि हम आपका रिजल्ट सुधार देंगे, मेरे WhatsApp में ये सेंड कर दीजिए, तो आप जो है उनकी बातों में नहीं आए, क्योंकि आप लोग जो है देश के फ्यूचर बनाने वाले हैं और आप ऐसा गलती नहीं कर सकते हैं। और हमारी उम्मीद है कि इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, लोगों को जागरूक करें, क्योंकि बहुत सारे आप YouTube में देखते हैं कि हम आपके रिजल्ट को सुधार देंगे, आप जो है हमें डॉक्यूमेंट सेंड करें, ये करें। तो आप इन बातों में ना पड़े दोस्तों। मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक रीजनल सेंटर जो है ऑफिशियली तरीके से रिजल्ट को सुधार रही है। और जो है सबसे पहले जो इस तरह का लेटर पटना में जारी हुआ था, उसके बाद
उसके बाद मैं बता दूं, उसके बाद जो है कानपुर में, यानी कानपुर में जारी किया गया। तो इस तरह का जो हर एक स्टेट जो इस तरह का लेटर जारी करेगा, क्योंकि एनआईएस के जो है 20/5/2019 को जो एक लेटर जारी किया गया था, यानी रिजल्ट से दो दिन पहले एक लेटर जारी किया गया था जो कि इविलेशन डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया गया, तो उसमें कहा गया था कि अगर कोई भी शिक्षक का अगर TMLA कुछ भी अगर रिजल्ट सुधार नहीं हो आपका जो है पेंडिंग होता है, तो आप जो है डायरेक्टली जो है आपको रीजनल सेंटर एक जो है ऑफिशियली इस तरह का लेटर जारी करेगा और आपको सुधारने का मौका देगा। दोस्तों तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करेंगे और सभी शिक्षकों को जागरूक करेंगे, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे ऐसे भी दलाल यूट्यूब में आ गए हैं कि आपको देखने को मिलेंगे कि ऐसे बात करते हैं। आप अगर कोई अगर कहता है कि हम आपके रिजल्ट्स को सुधार देंगे, तो दोस्तों आप लोग उनसे यही पूछिए कि आप अपना बैच दिखाइए, अपना जो है उसका एनआईएस का हर एक जो अधिकारी का एक बैच होता है, आप उनसे आपको कहना है सिर्फ यही कि अपना बैच दिखाए, अपना जो ऑफिशियल जो आइडेंटिटी है आप ऑफिशियली आइडेंटिटी दिखाए, तभी आप उनसे जो है अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें, अदरवाइज आपका जो है डाटा हैंग हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले आप पेटीएम के माध्यम से आप सुने होंगे कि 400 रुपया का जो है पेटीएम के थ्रू आपका रिजल्ट सुधार हो जाएगा, तो एनआईएस ने उस पर जो है ज़बरदस्त एक्शन लिया है। और आप अभी जाते हैं सारे रीजनल सेंटर में, यानी रांची के रीजनल सेंटर में अभी आप जाते हैं, आपको दिखाने वाले हैं रांची के रीजनल सेंटर का भी जो वो चिपकाया हुआ है, तो आप वहां पर देख पाएंगे कि एक लिखा हुआ है पेटीएम की कि आप जो है सतर्क रहे, पेटीएम की कोई ऐसा जो है एनआईएस के थ्रू से जारी नहीं किया गया है कि पेटीएम के थ्रू से कारोबार होता है। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का हर एक रीजनल सेंटर जो है इस तरह का एक लेटर जारी करेगा और वहां आपको जो है मौका दिया जाएगा, जो कि एक सप्ताह का मौका दिया जाता है। तो झारखंड वालों के लिए अभी जो है डायरेक्ट वहां पर जो है यहाँ पर देख सकते हैं 20/5/2019 द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया था और इस रिजल्ट के दो दिन पहले जो एक लेटर जारी किया गया था इविलेशन डिपार्टमेंट की ओर से। तो इसमें कहा गया था रिजल्ट का जो है आप लोग का जो है अगर किसी भी शिक्षक का जो है TMLA WB या किसी तरह का अगर रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है तो आप बाद में सुधार पाएंगे। सुधारने के लिए आपको जो है कुछ उसमें जो है कंडीशन है और आपको जो है खुद आपको करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है अंतिम तिथि झारखंड के लिए अभी जो है 27/6/2019 से आप खुद जाके वहाँ पर सुधार सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने वहाँ पर विजिट किया था और आपको जो है जो अपडेट अभी दिखाएँ उससे पहले वीडियो, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर लेना पड़ेंगे। तो सन्मयक से आपको जो है एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड कराना पड़ेगा, ऑनलाइन उपलब्ध अंक प्रमाण पत्र लेने होंगे और जो है अनुप्रमाणित उपस्थिति पंजीयन रसीद लेना पड़ेगा और प्रति विषय जो है आपको 500 रुपया का ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पर पटना में लिया जा रहा था। तो और ये देख सकते हैं ये जो है जारी किया गया है NIS क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से ये जारी किया गया है। और अभी हम जो आपको लेटर दिखाने वाले हैं कि शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है जो कि झारखंड के लिए है और ये रांची द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये जो रिजल्ट से पहले दो दिन जारी किया गया था यानी 20/5/2019 को, और ये जो जारी किया गया था इविलेशन डिपार्टमेंट की ओर से, यहाँ देख सकते हैं ऑल रीजनल डायरेक्टर एंड रीजनल सेंटर NIS सब्जेक्ट में से किया गया था, तो कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट अंडर DLED ऑनलाइन प्रोग्राम अनट्रेंड सर्विस टीचर। इसमें कहा गया था कि अगर आपका जो है यहाँ पर देख सकते हैं 12 लाख इसमें जो है शिक्षक जो है इसमें रजिस्टर कराए थे, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो इसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में बहुत सारे शिक्षक का जो है TMLA WME में एब्सेंट पाया गया था। और ये देख सकते हैं 20/5 को ये जारी किया गया था और ये जो 22 जो है कहा गया था उसमें एक डेट दिया गया था, इसका सेकंड पेज भी दिखाने वाले हैं। इसमें कहा गया था ये जो डेट जारी किया गया था इवेल्युएशन डिपार्टमेंट की ओर से, और यहाँ पर देख सकते हैं 1500 रुपया का आपको जो है यहाँ पर अगर बाद में अगर आप जमा करते हैं तो आपको 1500 रुपया का लिया जाएगा यहाँ पर सबमिट और रीजनल सेंटर आफ्टर डिक्लेरेशन रिजल्ट। इस लाइन को आप ध्यान देंगे यहाँ पर एज द सेंटर आफ्टर डिक्लेरेशन द रिजल्ट लेट फी, यहाँ पर देख सकते हैं 1500 रुपया पर सब्जेक्ट यहाँ पर विल चार्ज एक्सेप्टिंग ऑल द मार्क्स डिक्लेरेशन। इस लाइन को आप ध्यान देंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर लिया यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है
की ऑल द, यहाँ पर देख सकते हैं ऑल द रीजनल सेंटर आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट लेट फी 1500 रुपया पर सब्जेक्ट, आपको जो है 1500 रुपया पर सब्जेक्ट चाहे लेट फी लिया जाएगा और चार्ज एक्सेप्टिंग मार्क डिक्लेरेशन रिजल्ट नॉर्मल ऑफ NIS। इसका जो सेकंड पेज है यहाँ पर दिखाने वाले हैं, तो देख सकते हैं ये जो इसका सेकंड पेज है इसमें कहा गया था कि यहाँ पर ये जो है आपको जो डिपार्टमेंट इवेल्युएशन डिपार्टमेंट की ओर से ये जारी किया गया था और 20/5 को सभी कोऑर्डिनेटर को जो है वहाँ पर पहुँचाना के लिए कहा गया था और ये जो जारी किया गया था डायरेक्टर ऑफ इवेल्युएशन डिपार्टमेंट की ओर से NIS की रीजनल यानी जो नोएडा है वहाँ पर जारी किया गया था। और अभी जो आपको दिखाने वाले हैं ये लेटर यहाँ पर देख सकते हैं, ये लेटर अभी हम आपको दिखाएं कि 1500 रुपया का आपको DD बना के जमा करना है आपके रीजनल सेंटर रांची में। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पत्रांक संख्या दिया गया है जो कि यहाँ पर 19 तारीख को ये जारी किया गया था और ये जो जारी किया गया है ये लेटेस्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो जारी किया गया है 21/5/2019 को और ये जो झारखंड शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है, देख सकते हैं झारखंड का यहाँ पर लोगो है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय झारखंड शिक्षा परियोजना यानी झारखंड शिक्षा विभाग की ओर से 21/5/6 को जारी किया गया। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रेषक उमा शंकर सिंह झारखंड प्रदेश राज्य निदेशक सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यालय समग्र झारखंड। और इसमें कहा गया है कि विषय इसमें कहा गया है कि DLED परीक्षा परिणाम में TML के अंकों के अनुपस्थित ऑप्शन के संबंध में। और इसमें जो कहा गया है यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अभी जो आपको अपडेट हम दिखाएं कि 19/6 को एक लेटर जारी किया गया है, इससे पहले जो सबसे पहले लेटर दिखाएं आपको तो ये जो शिक्षा विभाग की ओर से ये सभी NIS के जो झारखंड में जितने भी स्टडी सेंटर हैं हर एक जिला को ये वाला लेटर पहुँचाने को लिए कहा गया। और यहाँ पर देख सकते हैं कहा गया है कि उपयुक्त विषय में आलोकन की अंकित करना कि NIS DLED के परिणाम घोषित हो चुका है, कुछ अभ्यर्थी के परिणाम में TML अंकों में अनुपस्थित दर्शाया गया है, इस संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय NIS रांची द्वारा संलग्न किया जाता है कि इससे संबंधित कुछ सूचना जिले के सभी अध्ययन केंद्र को उपलब्ध सुनिश्चित कराना है। और यहाँ पर देख सकते हैं उमा शंकर राज परियोजना जो झारखंड शिक्षा विभाग की ओर से जारी हुआ है और यहाँ देख सकते हैं ज्ञापन जो सौंपा गया है 19 तारीख को और यहाँ पर जो यहाँ पर डेट दिया गया प्रतिलिपि सभी केंद्र समन्वयक DLED परीक्षा यहाँ पर देख सकते हैं सूचना अध्ययन केंद्र प्रेषित अनुरोध यहाँ पर देख सकते हैं सभी को यहाँ पर पालन सुनिश्चित करना है यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर तो इस तरह का ये अपडेट यहाँ पर निकाला गया तो जो कि अभी जो रिजल्ट में सुधार हो रहा है जो कि झारखंड के रांची रीजनल सेंटर जो कि अपर वाज जिला स्कूल के जो आपके रीजनल सेंटर है जिला कर स्कूल मैदान पर शहीद चौक से जैसे उतरते हैं तो आपको जिला मैदान की ओर से पार करके आपको रीजनल सेंटर जाना पड़ता है जो कि रांची के। उसके बाद आपको जो अभी दिखाने वाले हैं कि ये तो इस तरह का कुछ जो है यूट्यूब में कुछ दलाल आ गए हैं जो कि पैसे की मांग कर रहे हैं तो आप उनसे सावधान रहे। और बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूब हैं जो कि पैसे की मांग करते हैं और रिजल्ट को सुधारने के लिए, तो दोस्तों आप लोग जो है इसके बातों में ना आए। और इस तरह का जो है आप न्यूज़ कहीं भी देखते हैं तो आप उनसे यही कहे कि NIS के आप बैच दिखाएं और अपना ID कार्ड दिखाएं क्योंकि इस तरह का बहुत सारे यूट्यूब में आपको देखने को मिलते हैं, तो इससे बचें और सावधान रहें। यही इस वीडियो से संबंध संदेश है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो में नए हैं तो नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं इस तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।